वहाँ हम खड़े थे वो बनाना बीच का स्पॉट एरिया, ये है यहाँ का सेंट्रल रेलवे बस स्टेशन, इसका दूसरा बीच है, इसका नाम है बनाना बीच। ये सी का व्यू पॉइंट है। कुछ लोग तो दोस्तों, अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तेल अबीब सेंट्रल बस स्टेशन। वहाँ पे एक इंडियन दोस्त हैं, उनसे मिलूँगा और उनके साथ जो है कहाँ हम जा रहे हैं उसका प्लान करते हैं। यहाँ पे जो भी हॉस्टल हैं, जो भी घर हैं, सारे जो है उनके जो सिक्योरिटी लेवल हैं वो बहुत हाई हैं। कोई भी दरवाज़ा घर देख लो आप, ये पासपोर्ट से ही खुलता है। यहाँ ये पासवर्ड लगा है तभी आप खोल सकते हो। और ये यहाँ पे बाकी दोपहर का व्यू है। यहाँ पे देखिए बारिश जोरदार हो रही है, हर 5 मिनट में बारिश आती है चली जाती है, आती है हर 5 मिनट में बारिश आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो इस समय फरवरी चल रहा है यहाँ पे 2000, कितना क्यूट सा बच्चा है देखिए, साइकिल राइड करके जा रहा है। तो चलो देखते हैं सेंट्रल बस स्टेशन पे मेरे मित्र मिलते हैं, क्या कहते हैं। ये है यहाँ का सेंट्रल रेलवे बस स्टेशन। उधर गेट पे भी देखिए, इंडिया की तरह गेट पे आदमी सोया हुआ है। देखिए कैसे हो रही है ये। आपको कहीं भी जाएंगे ना, आप उबर ऐप अगर आपके पास है तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, प्लस उबर ऑनलाइन कोई ऐप है इनका, उसके थ्रू इसको बुक कर सकते हैं या उबर के थ्रू। आप पूरे दिन के लिए बुक करेंगे तो इसका चार्ज है, एक बार जब ये रिचार्ज करके स्कैन करें कोड तो लगभग 5.5 सेकंड लेता है। लगभग इंडिया का जितना भी साइकिल बता रहे हो उसमें 25 का गुणा कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक है और पैर दोनों से चलती है, ठीक है। मैं देखता हूँ दिल्ली वाले कहाँ हैं, शर्मा जी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। ये रॉयल बीच होटल है और सामने देख रहे हैं वो बीच दिख रहा है। इधर सारे बड़े बड़े होटल हैं। अगर आपको बीच एरिया पसंद है और आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना है घूमने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे होटल्स हैं जितने भी 5 स्टार हैं, मेरिडियन, हिल्टन, सारे यहाँ पे हैं। वो देखो सामने बोला डेविड इंटरकॉन्टिनेंटल। ओके ओके ओके। इस लाइन में सारा ये याफो है, मेन याफो यानी याफो बीच। याफो बीच, याफो एक एरिया है, तेल अविव याफो नाम है पूरा। अच्छा अच्छा। याफो इन द सेंस याफो वाले जितने याफो इसको बोलते हैं, ये याफो पूरा जितना भी बीच का एरिया इसको याफो बोलते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। आप ये जो देख रहे हैं रेड सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, इसको चाहे आपके पास गाड़ी है आ रही है या कोई नहीं आ रही, आपको इसे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उस समय अगर आपको एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। अभी देखिए ग्रीन हो गया तो हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपको कोई गाड़ी टच करेगी तो उनकी ज़िम्मेदारी होगी। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, डॉग बहुत ज़्यादा रखे हैं। आप किसी भी गली में जाइए, सी पे जाइए, हर जगह तो आपको ये डॉग लेके घूमते हुए नज़र आएंगे। देखिए ये सी का व्यू पॉइंट है। कुछ लोग देखिए वहाँ पे योगा कर रहे हैं। देखिए अभी आपको व्यू कैसा लग रहा है।
और इस साइड में इधर आप देखेंगे सारे 5 स्टार 3 स्टार ये होटल बने हुए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ये सब बीच वगैरह पसंद है, आपको पैसे हैं तो आप इनसे इसमें जो है रह सकते हैं। इधर आप आगे जाएंगे तो उसका बीच का नाम बनाना बीच है, उसके आगे जाएंगे दूसरा बीच है। ऐसे इधर सारा जितना भी ये बीच आपको एरिया दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है सबके अलग अलग नाम है। वो है जाफा, घड़ी दिख रही है बीच में। हाँ हाँ, वो है जाफा पोर्ट। जाफा पोर्ट, अच्छा वहाँ भी लोग जाते तुम्हें? हाँ, वो घड़ी दिख रही है बनी हुई। हाँ हाँ, वो है जाफा। ओके, तो वो पोर्ट पे क्या मतलब देखने के लिए होता है? हाँ, पोर्ट भी ऐसे है, सेम बीच ही है पोर्ट भी यार। अच्छा, चलने के लिए है और आपके नीचे सामने पानी है। ओके, कोई एक और एरिया है बता रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ का पानी जो है वो मीठा है, लेकिन सी नहीं है, वो शायद कोई झील वगैरह है, इतना मुझे पता नहीं है। शाम के टाइम आएंगे तो यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं। यहाँ आना कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। आने के लिए आप तेल अभी बीच पे किसी से पूछेंगे कि मुझे तेल अभी बीच जाना है या बनाना बीच जाना है, तो आपको यहाँ पे वो ला देंगे, यहाँ का रास्ता आपको बता देंगे और यहाँ पे आप आसानी से आ सकते हो। जो तेल अबीब है और जो याफो है, बनाना बीच है, ये सब एक लाइन से ही है। यानी आप इस बीच एरिया के इस सड़क को चलते जाइए, अलग अलग जगह का नाम चेंज होता रहेगा। वो सामने देख रहे हैं उसे क्लॉक टावर बोलते हैं तेल अबीब का, और याफो उसे याफो पोर्ट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा ही बना हुआ जैसा यहाँ पे है, तो वहाँ आप जा करके मार्केट को इंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे खाने वाने की चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। शाम का जो है जो सी का व्यू है वो भी देख सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट तो है, गोरखा है, तंदूरी के नाम से है फेमस रेस्टोरेंट्स। हाँ, लेकिन बहुत महंगा है यहाँ फूड वगैरह अगर इंडिया कंपेयर करें। हाँ, बट यहाँ के हिसाब से हमारे लिए इन लोगों के सस्ता ही है। अब अगर मान लीजिए आप इंडिया के सैलरी की बात करेंगे तो आपका कितना लगभग बनता होगा? 35 से 40। 35 से 40। हाँ जी। हाँ, अब वही नेपाल की बात करें तो लगभग 2-2.5 लाख रुपये। हाँ, वहाँ सामने से हम आए और ये सामने देखिए इसका दूसरा बीच है, इसका नाम है बनाना बीच। मतलब ऐसे अलग अलग आपको स्पॉट यहाँ बनाए हुए हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए सब बनाना का जो पत्ती होती है शायद उसका ये बनाया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम बनाना बीच रख दिया। आप सीधा आगे जाते हैं तो आशीष बता रहे हैं कि वहाँ आपको इंडियन एम्बेसी मिलेगा, तो आई थिंक उधर और सारे एम्बेसी होंगे। हाँ भाई, वो इंडिया का अपने को नीड है तो वहाँ पे जाते हैं। तो आप इस एरिया में जाओगे, किसी से पूछोगे मुझे इंडियन एम्बेसी जाना है, तो आपको ऐसा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है। अभी यहाँ के बाद में हम देख रहे हैं ये किधर जा सकते हैं। वहाँ हम खड़े थे वो बनाना बीच का स्पॉट एरिया जहाँ से आप फोटो वगैरह कर सकते हैं। आपको बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करा करिए कि हाँ वीडियो में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा बोला बुरा बोला, क्या समझ में आया। भाई ये तो हिंदी भी बोलते हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा। नो वेस्ट नो ईस्ट इज़राइल इज़ द बेस्ट। यस, आई विल से नो ईस्ट नो वेस्ट इज़राइल इज़ द बेस्ट एंड आल्सो इंडिया इज़ द बेस्ट। कैन यू स्पीक सम हिंदी लिटिल? हिंदी? या खाना खाओ बाद में जाओ। अरे खाना खाओ बाद में जाओ। बम्बोनी? ओके, नो बम्बोनी, बर्शानी 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 बम्बोनी। पहले नो बस रख क्या ना आने दिया बन सके। भाई ये तो पूरा हिंदी भी बोल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो, तो इन्होंने कहा दिल भी इज़राइल दिल भी इज़राइल।